सरजीत गुलिया जहांगीरपुर को जहांगीरपुर खेड़ी जट दरियापुर व लगरपुर में मिला अपार समर्थन। लोगों ने किया एक तरफा मतदान करने का आश्वासन। आज वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद के प्रत्याशी सरजीत गुलिया जहांगीरपुर ने जहांगीरपुर खेड़ी जट दरियापुर व लगरपुर गांव का दौरा किया। इन गांवों में सरजीत गुलिया को अपार जन समर्थन मिला। उपरोक्त चारों गांव वार्ड नंबर 6 में गुलिया खाप के गांव बताए जाते हैं और इन गांवों में सरजीत गुलिया को लगभग एक तरफा समर्थन मिलना यह तय कर देता है कि सरजीत गुलिया की जीत अब पक्की है। सरजीत गुलिया वार्ड नंबर 6 में लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। सरजीत गुलिया को प्रत्येक गांव में ज़बरदस्त प्यार प्रेम और सहयोग समर्थन मिल रहा है। सरजीत गुलिया जिस गांव में भी पहुंच रहे हैं लोग उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत व सम्मान कर रहे हैं। नोटों और फूलों की मालाओं से उनका ज़बरदस्त स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। सरजीत गुलिया एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार जन सेवा में तत्पर रहे हैं। ढासा बॉर्डर पर लगभग एक साल तक चले किसान आंदोलन में उन्होंने अपना अपार और पूर्ण सहयोग दिया है। उन्होंने हमेशा किसान और मजदूर की आवाज़ उठाई है। इसके अलावा भी वे जिला झज्जर से इंटेक के अध्यक्ष होने के नाते मजदूरों की हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन किए हैं। उन्होंने मनरेगा मजदूरों की मांगों को मनवाने के लिए काफ़ी बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा भी जन सेवा के कार्यों में वे हमेशा तत्पर रहे हैं और प्रत्येक गांव में जहां भी उसे मौका और मिला वे वहां पर लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे। सरजीत गुलिया को उनकी सामाजिकता को देखते हुए ही लोगों का अपार समर्थन, सहयोग और प्यार मिल रहा है। समाज सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही हमें पता चल गया था कि नेतृत्व की जो क्वालिटी है, नेतृत्व की जो गुण है हर फील्ड में, मैंने स्कूल में देखा, सांस्कृतिक गतिविधियां हों, आप लोगों में इतना जापान यात्रा बहुत मुद्दा को आपकी धारणा जो आप कहना चाहते हैं वो सभी ये भाई समझते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल जो है मजबूती से चुनाव लड़े। ये आपका चुनाव नहीं है, पूरे गांव का चुनाव है, 36 बरादरी का चुनाव। हम गांव ही जाते हैं वही से भाई, पुलिस वाले आए थे, मास्टर आए थे, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, काम का टाइम था, लेकिन 3 दिन के लिए मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, ये 3 दिन का 4 दिन का काम हो रहा है, इसके लिए अपनी छुट्टियां लो, 1 दिन बाद में काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि इसके लिए हमने जो 35 साल का हमारा संघर्ष है वो खराब ना चला जाए। यही होगा मेरे बुजुर्गो नौजवान साथियों, सम्मानित मंच जागे गांव की सरकार साथियों, इलेक्शन अपनी दिशा बदल चुका है। आपकी ताकत, आपका प्यार, हम 8 दिन के गांव में जो गए और जहांगीरपुर गांव की जो छवि, जो बुजुर्गों ने 80-80 साल के बुजुर्ग बड़ियों में जो प्रेम आपका जो लोगों ने देखा, ये बहुत सराहनीय है। जहांगीरपुर गांव आज ये चुनाव सरजीत का चुनाव नहीं रहा। हम जब भी गांव में गए, गांव के बहुत लोग या तो फोन के द्वारा या रिश्तेदार के द्वारा या अपने संपर्क करके यहां तक भी होया, सरजीत अभी गया है। जिसके हमारे प्रधान है चर्चा भूटिया जी, उनका मन है योगदान भाई सरजीत को जो है करते हैं,
चाचा गोड़िया का और दिल्ली पुलिस वेलफेयर समिति से हमीरपुर का मैं प्रार्थना करूंगा अभी हमारे रोडवेज के प्रधान रहे हैं और बहुत ही गुजारू और बहुत इसमें योगी रहे। एक समय ऐसा था कि हरियाणा रोडवेज की मोटरी और उनके ड्राइवर भी कैश करते थे और ये चाचा जो है मुझे इस पेड़ के नीचे खड़ा होकर काम पूछा मेरी दीपा जी जो है इसको रिक्वेस्ट करते थे चाचा बड़ा बच्चा है करियर बनो ऐसे ऐसे होंगे आदमी हमारे बहुत ही आदमी है चाचा सुना आपको कितने से बिल्कुल गहराई से एक दूसरे से पूछ के आज ये भाई सरजीत सरजीत का तो नाम है कि अपना परिवार का एक उसकी परिवार की शान और दूर तक मेरी आवाज सुनी है मेरी माता बहने आज एक भाई के पास एक भाई आया है कंपनी लेके ये चुनाव नहीं है ये एक भाई की मदद के लिए भाई आया है। आप सब से प्रार्थना है परिवार है अपना अपने भाई को आशीर्वाद देंगे ये परिवार है। मैं तो कई बार अपने परिवार में आने का